अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फेस पैक या फेस मास्क कह लें शेयर करूँगी जो कि बहुत अमेजिंग है। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को टाइट करेगा बल्कि आपके ओपन पोर्स को भी, जो लार्ज ओपन पोर्स होते हैं उनके साइज़ को भी मिनिमाइज करेगा, क्योंकि समर सीज़न है, ओपन पोर्स का इशू हर लड़की को हो जाता है। इसके अलावा आपको स्किन वाइटनिंग का भी काम देगा। तो चलते हैं अपने आज की वीडियो की। ओके, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक एग, ठीक है। नॉर्मली सब घर में जो है ना एग्स मौजूद होते हैं। आपने एक अंडा लेना है और उसको आपने तोड़ के जस्ट आपने उसकी जो है ना सफ़ेदी लेनी है, आपने उसकी जर्दी नहीं लेनी। एक अंडा लेके उसकी जब आप सफ़ेदी लेंगे उसके अंदर आपने 1 टीस्पून चीनी ऐड करनी है। शुगर, नॉर्मली शुगर जो हम घर में यूज़ करते हैं, आपने वो शुगर उसमें ऐड करनी है और उसको अच्छी तरह फेंट लेना है। उसको इतना अच्छी तरह फेंट लेना है कि जो शुगर है वो उसके अंदर मिक्स हो जाए। जब आप उसको अच्छी तरह चम्मच के साथ स्पून की मदद से फेंटोगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें झाग भी बनने लग जाएंगे और जो चीनी है शुगर वो बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, इस मिक्सचर को, इस मास्क को अपने फेस पे अप्लाई करना है। फेस पे अप्लाई करने के बाद आपने 15 to 20 मिनट्स आपने इसको अपने फेस पर छोड़ देना है। और आपने, मैं आप लोगों को ये टिप दूंगी कि जब आप स्किन टाइटनिंग के मास्क यूज़ करते हो ना होम रेमेडी, तो आप कोशिश किया करो इस तरह के मास्क जो स्किन टाइटनिंग या एंटी रिंकल्स एंटी एजिंग के हवाले से होते हैं वो लगा कर आप लेटो। जब आप लेट कर उस मास्क को सूखने दोगे, ड्राई होने दोगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि हम जब कोई मास्क लगा के लेटते हैं ना तो हमारी स्किन ऊपर की तरफ टाइट होती है। इसके अलावा ये आपने कब यूज़ करना है, ये आपने हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है। एक और चीज़ आपको लोगों को बताती चलूँ, ये मास्क जब आप वॉश कर लोगे इसके बाद आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई होगी, ठीक है। ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए है, लेकिन ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जब फेस वॉश करने के बाद आपको अपनी स्किन थोड़ी सी ड्राई महसूस हो तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा लाइट वेट मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। और ये ऑल स्किन टाइप है, ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर वही कहूँगी, स्किन थोड़ी सी ड्राइनेस टाइप महसूस होगी, उस तरह की ड्राई महसूस नहीं होगी कि आपकी स्किन पे ड्राइनेस आ जाएगी या आपकी स्किन अजीब सी अकड़ जाएगी, नहीं, जस्ट लाइट सा आपको ड्राइनेस महसूस होगी। तो अब वो कोई भी आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लो। ये मास्क क्या काम करेगा, ये मास्क आपकी स्किन पर से ओपन पोर्स को रिमूव करेगा, रिमूव तो नहीं करेगा, उनके साइज़ को मिनिमाइज करेगा। इसके अलावा आपकी स्किन को टाइट करेगा। अगर आपको रिंकल्स है, आपके रिंकल्स को वैनिश करेगा, रिमूव करेगा। क्योंकि ये एक कोरियन मास्क है और ज़्यादातर ये जैपनीज़ और जो चाइना की लेडीज़ होती है ना या लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं एग मास्क। और इसके अलावा अगर आपको लफ लाइंस बहुत ज़्यादा है, ये आपके लफ लाइंस को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा, आपकी स्किन को वाइटनिंग का भी काम देगा। क्योंकि एग में जो है ना वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं शुगर की, कि शुगर क्या काम करेगी। शुगर हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करेगी, डेड स्किन को रिमूव करेगी। इसके अलावा हमारी स्किन पर शाइन आएगी, हमारी स्किन ग्लो करेगी। रमज़ान है, रोज़े रख रख के हर लड़की की स्किन डल हो चुकी है। मेरी अपनी स्किन पे ये आप लोग देख रहे हो 2 दाने, ये तो खैर निशान रह गया और ये भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पानी नहीं पिया जाता जिसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, स्किन पे बम्प्स बन रहे हैं, एक्नी हो रही है और स्किन पे डलनेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी तक मैं आप लोगों के साथ जितनी भी होम रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ ये ऑल स्किन टाइप के साथ साथ डलनेस को भी रिमूव करेगी, ताकि ईद पे आपकी स्किन पे अच्छा सा ग्लो आ सके। तो आजकल मैं भी ये यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। और किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपको आंसर कर दूँगी इंशाल्लाह। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ मेकअप वीडियो से वीडियो मेक करती हूँ। आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।